हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 15th ऑफ सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर इंडियन बैंक हैज बिकम द फर्स्ट टू ज्वाइन पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए भागीदारी में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर आपसे कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल से जुड़ने वाला जो पहला बैंक है उसके बारे में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप यहां देख सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइंस PCAF ऑन 9th ऑफ सितंबर 2024 एंड बिकेम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू ज्वाइन पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। एंड बाय ज्वाइनिंग दिस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स कमिटमेंट टू मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग इट्स इनडायरेक्ट एमिशंस विच आर क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट। PCAF की बात करें तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है विच एम्ड एट डेवलपिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू एक्सेस एंड डिस्क्लोज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर वॉज लॉन्च्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई जो राजा गिद्ध है उसके लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं महाराजगंज उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, देहरादून उत्तराखंड या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसको लॉन्च किया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। आप यहां देख सकते हैं, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर नेम्ड जटायु वॉज इनॉग्रेटेड इन भरी वैसी कबीरगंज रेंज गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन उत्तर प्रदेश ऑन 6th ऑफ सितंबर 2024। सो द सेंटर एम्स टू रिलीज 40 पेयर्स ऑफ वल्चर्स ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स एंड करेंटली हाउसेज 6 किंग वल्चर्स जिसमें कि 1 मेल और 5 फीमेल हैं। एंड द एशियन किंग वल्चर इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पॉइजनिंग फ्रॉम डिक्लोफेनाइड। सो द सेंटर विल हेल्प प्रिवेंट वल्चर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड मीट थ्रू इट्स फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गवर्नमेंट रिलैक्स्ड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो बहिष्करण मानदंड है उनमें कुछ ढील दी है और आपको बताना है कि उससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वॉज लॉन्च्ड इन 2016। एंड सेकंड, फैमिलीज ओनिंग टू व्हीलर्स मोटराइज्ड फिशिंग बोट्स रेफ्रिजरेटर्स एंड लैंडलाइन फोन्स एंड अर्निंग अप टू ₹15,000 पर मंथ कैन नाउ अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द रूरल हाउसिंग स्कीम। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। आप यहां देख सकते हैं, गवर्नमेंट रिलैक्स्ड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड द ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हैज बिन रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सो द पर्सन ओनिंग मोटराइज्ड 3 or 4 व्हीलर्स मैकेनाइज्ड 3 or 4 व्हीलर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और अ किसान क्रेडिट कार्ड विद अ क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹50,000 और अबव
आर इन द ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना. सो द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर दिस स्कीम हैव बीन रिवाइज्ड एज द गवर्नमेंट एम्स टू कंस्ट्रक्ट 2 करोड़ एडिशनल हाउसेस अंडर द रूरल हाउसिंग स्कीम बाई 2028 एंड 2029. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टिगेटिंग पैथोजन ओरिजिन्स विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि संगठन ने भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान से रोगजनक उत्पत्ति की जांच के लिए एक वैश्विक ढांचा तैयार किया है. आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या फिर वर्ल्ड बैंक. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ऐसा करने वाला संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. आप यहां देख सकते हैं अ न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द WHO दैट एम्स टू स्ट्रीमलाइन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओरिजिन्स ऑफ न्यू एंड री इमर्जिंग पैथोजेंस दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स. सो दिस फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड बाय द साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑन द ओरिजिन्स ऑफ न्यू पैथोजेंस एंड द एम ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज टू एड्रेस एग्जिस्टिंग शॉर्ट कमिंग्स इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन मैथड्स एंड एस्टैब्लिश एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पैथोजन ओरिजिन. इसके साथ ही WHO की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में. इसके साथ ही इसके 6 रीजनल ऑफिस भी हैं. इसको फॉर्म किया गया था 1948 में और आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सुकन्या समृद्धि योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना जो है अभी हाल ही में खबरों में रही, आपको बताना है कि इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया. आपके ऑप्शंस हैं 2014, 2015, 2018 या फिर 2020. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया है 2015 में. आप यहां देख सकते हैं द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स फॉर द सुकन्या समृद्धि योजना इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 और इसको लॉन्च किया गया था 2015 में अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन विच इज अ स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम फॉर गर्ल चिल्ड्रेन एंड गार्जियंस कैन ओपन एन सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर देयर गर्ल चाइल्ड हु मस्ट बी अंडर 10 ईयर ओल्ड एंड एन इंडियन रेजिडेंट. सो दिस स्कीम अलाउज अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹250 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख एनुअली विद डिपॉजिट फॉर 15 ईयर्स एंड मेच्योरिटी एट 21 ईयर्स. पार्शियल विड्रॉल अप टू 50% इज अलाउड फॉर एजुकेशन आफ्टर एज 18. सो दिस स्कीम ऑफर्स टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C एंड 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट and new rules require the transfer of guardianship from grandparents to legal guardians or parents else the account will be permanently closed. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इंडिया विल होस्ट द क्वाड समिट इन विच ईयर. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा. आपके ऑप्शंस हैं 2026, 2024, 2025 या फिर 2028. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी.
भारत क्वाड समिट का आयोजन करेगा 2025 में। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्वैप्ड देयर टर्न टू होस्ट द क्वाड समिट एंड द क्वाड समिट स्वैप डिसीजन हैज बीन टेकन आफ्टर अ मीटिंग ऑफ द क्वाड SOUS से पास। दिस ईयर्स क्वाड समिट विल हेल्ड ऑन सेप्टेम्बर 21st इन बाइडेंस होम स्टेट ऑफ डेलवर। सो नाउ इंडिया विल होस्ट द क्वाड समिट इन 2025 एंड इट मीन्स दैट द न्यू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस विल विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर। सो क्वाड की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और ये एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज मेंटेन्ड बाय टॉक्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। और इसको इनिशिएट किया गया था 2007 में बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर सिंजो अबे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द यूएस ओपन 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं कार्लोस अल्काराज, एलेक्जेंडर जेवरेव, नोवाक जोकोविच या फिर जेनिक सिनर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जीता है जेनिक सिनर ने। आप यहां देख सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 कॉमनली नोन एज यूएस ओपन 2024 वाज हेल्ड फ्रॉम 19th ऑफ अगस्त टू 8th ऑफ सितंबर ऑन आउटडोर हार्ड कोर्ट इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। So, Jannik Sinner of Italy won the men's singles title of the US Open 2024 by defeating Taylor Fritz of United States of America in the finals held at Arthur Ashe Stadium in New York. So, the total prize money of US Open 2024 was placed at $75 million and the men's and women's single champions will earn $3.6 million each. और इस वर्ष जो ये आयोजित हुआ है यूएस ओपन 2024, ये 144th एडिशन है यूएस ओपन का। और आप ध्यान रखेंगे मेन सिंगल्स में विजेता रहे हैं जेनिक सिनर। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।